नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स। और मार्केट टाइम्स में आज जो है वो चर्चा होगी सबसे ज़्यादा सरसों को लेकर के। सरसों की फसल किस तरीके से जो है वो मार्केट में है, कहाँ से सबसे ज़्यादा फसल जो है वो सरसों की आती है, आखिरकार सरसों के तेल को लेकर के मार्केट में क्या भाव है, क्या असर पड़ता है, इन्हीं सभी जानकारियों को लेकर के आज हमारे साथ जो है आरती हैं नरेश बंसल जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार मोनू भाई। नरेश जी, आज सबसे पहले जिस तरीके से देखा जाए तो आप सबसे बड़े आढ़ती हैं यहाँ पर, जो है हर तरीके की जो फसल है वो आप खरीदते भी हैं और तमाम तरीके के भाव आपको पता होता है। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सबसे पहले सरसों को लेकर के, सरसों का जो है फिलहाल बाज़ार में क्या भाव और किस तरीके का चल रहा है? देखो, इस टाइम तो फसल सरसों की फसल का जो रेट है सरसों का, वो काफ़ी मंदा चल रहा है क्योंकि इस टाइम तेल की डिमांड काफ़ी, मतलब सरसों का तेल लोग अपना निकलवा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है। लोग उतना ही ले रहे हैं जितना उनको ज़रूरत है या उनकी बाइंग पावर है। तो सरसों, एक तो पॉम ऑयल वगैरह जो अल्टरनेटिव ऑयल्स बहुत आ गए हैं, उसके चक्कर में सरसों के मंदा है। सरसों का तेल मंदा हो रहा है तो सरसों भी मंदी हो रही है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सरसों की आवक जो है वो कितनी है, जैसे कि 2023 में कितनी रही है, या आने वाले समय में जिस तरीके से देखा जाए तो 2024 में भी क्या किस तरीके की रहेगी? देखिए, अब की बार कई सालों बाद सरकार ने MSP पे सरसों की बहुत अच्छी परचेज़ की है। 5650 रुपये सरकार का रेट था सरसों का, और उससे किसान आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होगा और वो सरसों को ज़्यादा से ज़्यादा वो लगाएगा, जिससे क्या है, गेहूँ का रकबा कम होगा और सरकार पे गेहूँ का लोड कम होगा। जो सरकार को MSP पे गेहूँ खरीदना पड़ता है, उसके लिए गोदामों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मैं तो कहता हूँ सरकार इसका MSP अगली फसल के लिए और बढ़ाए और उसको करे। जहाँ तक अब की बात है, अब तो बहुत नाम मात्रा में अराइवल हो रही है सरसों की। भाई, हमारी लगन में इधर तो ऑफ सीजन में, अब इस टाइम ऑफ सीजन है, सरसों आती नहीं, लेकिन मेवात है, राजस्थान है, वहाँ की मंडियों में अभी भी काफ़ी सरसों आ रही है। क्योंकि किसान ने जो रोक ली थी तेज़ी के लिए, लेकिन बाद में रेट कम हो गया, तो इस चक्कर में किसान के को काफ़ी उसमें नुकसान हो गया। लेकिन सरकार को चाहिए, जो सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो पॉम ऑयल है, ये देखो कई देशों में ये खाने योग्य नहीं है, ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है, लेकिन हमारी भारत सरकार ने इसको खाने के लिए मंजूरी दी हुई है। और वो एक तो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो सरकार को चाहिए पॉम ऑयल को खाने के उससे हटाया जाए, और सरसों के तेल जो हमारे ट्रेडिशनल तेल है, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का है, इस चीज़ पर जोर देना चाहिए और ये पॉम ऑयल को बैन करना चाहिए। सरसों को लेकर के किस तरीके का भविष्य आगे सोचते हैं कि सरसों आगे रहेगी या किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके की तमाम वैरायटी जो है वो मार्केट में आ गई, तो सरसों का क्या भविष्य रहेगा? नहीं, देखिए सरसों की काफ़ी वैरायटीज आ गई हैं। पहले सरसों 20 मन के लगभग होती थी खेत में, अब नए नए बीज आ गए हैं, 30 32 35 मन तक किसान सरसों की पैदावार ले रहा है, और अब की बार फसल बहुत अच्छी रही है। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ, सरसों में इस बार ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है, क्योंकि चुनाव भी हैं, अभी कई स्टेटों में चुनाव भी हैं, पहले अभी लोकसभा का चुनाव निपटा है, तो सरकार इसमें खुद भी ज़्यादा तेज़ी नहीं आने देगी, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो पहले वाली बात नहीं है कि सरसों का तेल 200 रुपये बिक जाएगा, वो कंडीशन कहीं भी दिख नहीं रही है। अब फिलहाल देखा जाए तो हाल ही में देखा जाए तो हमने सरसों की कीमतों में जो दबाव खेला है देखा है, जिस तरीके से, अगर क्या सरसों की कीमतों में फिर से उछाल संभव हो सकते हैं? देखिए, मैं कि 100-200 रुपये तो कोई सरसों के रेट में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आगे आगे फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, थोड़ी डिमांड बढ़ेगी भी, मौसम भी ठंडा हो जाएगा, गर्मियों में तेल खाया भी कम जाता है, तो ज़्यादा तेज़ी मैं सरसों में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टॉक है। और सोयाबीन वगैरह की फसल भी हमारी, सूरजमुखी की, ये भी काफ़ी अच्छी है, तो ज़्यादा तेज़ी मैं इसमें नहीं देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि सरकार जो है पॉम ऑयल पर जिस तरीके से के उत्पादन पर जो है जोर दे रही है, और उसके साथ साथ बात की जाए तो उस जो है अरुणाचल जो प्रदेश है जो है पाम की खेती पर जोर दे रही है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से खेती का असर जो है वो सरसों की कीमतों पर पड़ेगा?
नहीं बिल्कुल पड़ेगा। देखिए जब सरकार ने पॉम ऑयल की मांग बढ़ी, अभी तो हम क्या पॉम ऑयल बहुत ज़्यादातर मलेशिया इंडोनेशिया इन देशों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो सरसों के साथ दिक्कत आ रही है, सरसों के तेल का जो रेट कम है कि लोग मिक्सिंग बहुत हो रही है पॉम ऑयल की, और सरकार देखो ठीक है बढ़ावा दे रही है उसके लिए, किसान को ठीक है अच्छे पैसे मिलेंगे उससे, लेकिन ये सब पॉम ऑयल जो है वो खाने के लायक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सरकार इसको इंडस्ट्रियल में ही यूज़ करे, बहुत चीज़ें और काम हो सकते हैं इससे, लेकिन खाने के लिए मैं जहाँ तक सोचता हूँ इसको नहीं इस्तेमाल कराना चाहिए, सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए। देखा जा रहा है कि जो है फिलहाल सरकार विदेशी बाज़ारों में यातायात को पर जो है वो सबसे ज़्यादा जोर दे रही है, क्या घरेलू बाज़ार खाद्य तेलों में कीमतों को लेकर के बढ़ने और रोक जो है रोक रही है, या आगे क्या क्या भविष्य रहेगा? देखिए सरकार की पॉलिसी पे भी सब चीज़ें ये निर्भर करती हैं। अभी क्या है जैसे सरकार ने एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है यहाँ से सरसों का तेल का, तो और इंटरनेशनल मार्केट में अगर सरसों या पॉम ऑयल सस्ता होता है तो वहाँ से तेल आ जाएगा, तो मार्केट मंदी हो जाएगी, क्योंकि व्यापारी तो को तो ये जब भी मेरा मंदा मिल रहा है तो मैं मंदा करके बेचूं, व्यापारी को तो अपना एक फिक्स प्रॉफिट चाहिए और उसको तो रोज़ व्यापार करना ही है, तो वो अगर जहाँ से भी उसे सस्ता मिलेगा और सरकार की परमिशन है तो वो बाहर से सस्ता मंगा लेगा, जब सस्ता मंगा लेगा तो भी आम जनता को जो ग्राहक है उसको भी सस्ता मिलेगा, तो इसलिए सरकार को भाई अब देख के कि किसान भी ना मरे और आम जनता भी को भी कोई नुकसान ना हो, उस तरीके से अपनी कंडीशंस यानी पॉलिसीज बनानी चाहिए, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कोई ज़्यादा इसमें उठा पटक नहीं होने वाली है। नरेश जी लास्ट सवाल है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस पॉम तेल को लेकर के अभी तक मनुष्य जो है सेहत के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है ये सबसे ज़्यादा है, और एसोसिएशन जो है इससे ऐसी बातों को जो है जैसे पॉम तेल को लेकर के अच्छा कोई दूसरा तेल ही नहीं है, और हार्ट अटैक से जुड़ी समस्याएँ जो है वो लोगों के साथ हो रही है, तो क्या लगता है कि क्या लोगों के हेल्थ के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है? मोनू भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, और एक ना ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। देखो पहले हम लोग देसी घी इस्तेमाल करते थे और सरसों का तेल जो हमारा ट्रेडिशनल था, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, आज मेरे पास एक किसान आए 93 ईयर ओल्ड के हैं और बिल्कुल वो स्वस्थ हैं क्योंकि उन्होंने शुद्ध चीज़ें खाई हुई हैं। तो अब क्या है उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर पे हम जाते थे, डॉक्टरों ने रिफाइंड पे जोड़ दिया, लेकिन अब रिसर्च करते करते लोग वापस आए कि भी अपना पुराना देसी घी ही बढ़िया है, घुटने की बीमारियां जो बढ़ रही थी कि हमने अभी देसी घी खाना छोड़ दिया, रिफाइंड तो जहर है। मैं ये कहता हूँ कि रिफाइंड वगैरह ये पॉम ऑयल ये सब खाने पीने से सरकार को इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। अपना किसी भी चीज़ का तेल खाइए, सरसों का खाइए, सूरजमुखी का खाइए, मूंगफली का है, गोले का है, वो अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कीजिए शुद्ध तरीके की। और सरकार को चाहिए कि जो ये मिक्सिंग हो रही है इसको सबसे पहले सख्ती से बंद किया जाए, चाहे कितने ही लोग नाराज हों, चाहे जनता कितनी ही नाराज हो दो व्यापारी, लेकिन क्या है कि देखो ओवरऑल हम सब लोगों के स्वास्थ्य पे उसका फ़र्क पड़ रहा है, और सरकार को अपना फूड सैंपलिंग विभाग से उससे जिससे कि लोगों को शुद्ध चीज़ें मिलें और उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे नरेश बंसल जो है ये आरती थे, और इनसे जो है काफ़ी जो है चर्चाएं विषय जो है सरसों को लेकर के हुई है, जिस तरीके से पॉम तेल को लेकर के जो बात की गई है, जिस तरीके से देखा जाए तो सेहत के साथ जो है सबसे ज़्यादा जो है पॉम तेल के साथ जो है वो खिलवाड़ जो है वो लोगों के साथ किया जा रहा है, उस तरीके की अनेक बीमारियाँ जो है उससे पनपती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो हार्ट अटैक की बात हो चाहे तमाम तरीके की बातें हों, तो जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरतियों को लेकर के और कहीं ना कहीं जो आरतियों की एसोसिएशन है उनको लेकर के बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के करके जो है वो जो है तमाम तरीके से जोर जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं कि पॉम तेल को जो है वो बंद किया जाए, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोले का तेल हो चाहे वो सरसों का तेल हो मूंगफली का तेल हो इस तरीके का जो है वो यहाँ पर लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस पर जो है सबसे ज़्यादा पैदावार जो है वो करानी चाहिए।